सकेंगे यार दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। धूल में खेलत चिड़ी, अरे धूल में खेलत चिड़ी देखी नृप पूछे तब, राजा होगा धूल धानी। बात यूं उचारी है, दूजो कहे नृप सुनो वर्षा करीब आई, खावेंगे अनाज खूब उमंग अपारी। या ते तुम पांवरज ले के चढ़ावे सिरे, आपके शासन बीच चैन हमें भारी है। एक को दियो है दंड दूजे को इनाम दियो, कहे सूर्य मुनि वाणी बोलो सुविचारी है। राजा बिहार यात्रा के लिए निकला, साथ में और भी मनुष्य थे, वे उद्यान से लौट रहे थे। राजा ने रास्ते में देखा एक चिड़िया धूल में खेल रही है। राजा कुछ कौतूहल प्रिय था, उसने अपने साथ बालू से पूछा, अच्छा बताओ ये चिड़िया क्या कर रही है। इतने में कुछ चिड़िया और वहाँ आ गई, वे भी चहचाने लगी। एक व्यक्ति अपने आप को बहुत सयाना समझता था, वह राजा के पास आकर कहने लगा, महाराज ये भविष्य की सूचना दे रही है, आपके लिए आगे का समय बहुत भयंकर है। आपका राज्य धूल धानी हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। परंतु महाराज ये चिड़िया अपने को बहुत बड़ी समझ रही है, इस तुच्छ को अभी उड़ा देना चाहिए। दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, इसका स्वर प्रसन्न है, अतः कुछ और ही कह रही है। ये सब कह रही है कि अब वर्षा नज़दीक आ रही है, अनाज खूब पकेगा, हम खूब अनाज खाएंगी, हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है। आपके शासन से हम आनंद में हैं, प्रसन्न हैं, सुखी हैं, हम आशीर्वाद दे रही हैं, आप आनंद में रहें। आपका लेकर आपका शासन चिरजीव हो, हम बड़े कृतज्ञ हैं, अतः आपकी चरण रज लेकर हम अपने सिर पर चढ़ा रही हैं। महाराजा ये चिड़िया इस प्रकार अपना हर्ष अभिव्यक्त कर रही है। राजा पहले व्यक्ति पर नाराज हुआ, क्योंकि वह अवसर को पहचान नहीं सका, और दूसरा व्यक्ति अवसर का जानकर था, उसने समय अनुसार उचित और हितकारिणी भाषा का प्रयोग किया। मित्रों अतः राजा उस पर बड़ा खुश हुआ, पहले को दंड मिला और दूसरे को पुरस्कार, शिक्षा, वाणी बोलो सुविचारी। सोपर के लिए हितकर बचपन बोलना चाहिए, वचन बोलना चाहिए, अर्थात वाणी के पीछे उत्तम विचार अवश्य होना चाहिए। अवसर को पहचान कर अवसरवादी न बनते हुए समय के अनुकूल हित मित वचनों का प्रयोग करना चाहिए। सब्सक्राइब फ्री है पुण्यात्मा सत्संग प्रेमों माताओं भाइयों बहनों।